हेलो एवरीबॉडी दोस्तों, ग्राम सीयू के फार्म जो 10वीं बेस पर भरे गए थे पीछे 2014 या 15 के आसपास, और वे भर्ती कैंसिल कर दी गई थी। दोस्तों न्यूज आई है जागरण न्यूज़पेपर में, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा हुआ है। ग्राम सचिव बनने के लिए अब ग्रेजुएट और डिप्लोमा जरूरी, यानी कि मुख्यमंत्री ने अनाउंसमेंट कर दिया है कि अब जो ग्राम सचिव बनेंगे वो ग्रेजुएशन बेस पे होंगे और उनको एक डिप्लोमा करना होगा पंचायती राज का, ठीक है। जिन्होंने ये क्वालिफिकेशन अपनी कर रखी होगी वही कैंडिडेट ग्राम सचिव में लगने के लिए योग्य है। यहाँ पे आप शायद अच्छे से पढ़ पाओगे, हरियाणा में अब कोई भी ग्राम सचिवालय आधा एकड़ भूमि से कम में नहीं बनेगा और इसमें एक पुस्तकालय का भी प्रावधान होगा। साथ ही भविष्य में होने वाली ग्राम सचिवों की भर्ती में शैक्षणिक योग्यता 10वीं की बजाय, यानी कि पहले 10वीं होती थी, अब वहां पे स्नातक यानी ग्रेजुएशन कर दी गई है। वहीं युवक ग्राम सचिव बन जा पाएगा जिसके पास स्नातक की डिग्री के अलावा पंचायती राज में डिप्लोमा होगा और उसे आईटी सेक्टर की भी जानकारी होगी। दोस्तों ये उनके लिए बैड न्यूज है जो कम पढ़े लिखे हैं, और जो अच्छे पढ़े लिखे हैं उनके लिए भी बैड न्यूज है, क्योंकि पंचायती राज का डिप्लोमा सभी के पास नहीं मिलेगा। हो सकता है ग्रेजुएशन वाले कैंडिडेट तो बहुत हों, लेकिन पंचायती राज का जो डिप्लोमा होता है उन्हें अब मुश्किल आने वाली है, क्योंकि ये डिप्लोमा सभी के पास नहीं हो सकता। दोस्तों हर रोज़ नए नए रूल लागू किए जा रहे हैं हरियाणा में, लेकिन काम सिरे एक भी नहीं चढ़ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों ये छोटी सी अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी, तो बस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। यदि आप हर अपडेट पाना चाहते हैं हर रोज़ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आपने यही वीडियो यहाँ तक देखी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे।